परम आदरणीय महाराज शेखा जी जैसे जितने बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े शासक थे, वो अपने साम्राज्य के अंदर अदर देन द बाकी जो सुविधाएं थी उसके अलावा उसी वक्त जो है मेडिकल सुविधाओं के लिए भी वे पूरे जागरूक थे, और वो भी एक उनके एक टाइम में इस तरह का उन्होंने एक रिवाज बनाया था एक कि जिसमें कि गाँव के अंदर उस किसी तरह से उनको जो है कोई पेशेंट बीमार हो तो उन दिनों आज के जो साधन हैं वो तो सारे होते करते नहीं थे, तो वो वहाँ पे एक किसी बिहार गाँव के अंदर एक गाँव में या दो तीन गाँव के बीच में वो अपना आप संभव औजाले समझ लीजिए, चाहे आप उसको वहाँ पे कोई कोई उन दिनों में क्वालिफाइड MBBS जैसे डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो जो वैद्य प्रणाली या जो भी होती करती थी उनका प्रयास ये रहता था कि उनको जो भी पॉसिबल इलाज की आवश्यकता हो उनको वहाँ पे मिल जावे। तत्पश्चात उसके अलावा भी जैसे कोई किसी ऐसी परिस्थितियों में या लड़ाई वगैरह के अंदर भी अगर वो कहीं उनकी जो सेनाएं जो जाती करती थी उनके जो सेनापति वगैरह होते थे तो उनके साथ जैसे आजकल आप देखो तो कोई भी आर्मी वगैरह के अंदर जो है AMC की मेडिकल कोर की बहुत टीम जो साथ होती है तो वो उस टाइप की जैसा सुना है, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इतिहास की, लेकिन वो अपने साथ एक चिकित्सकीय टीम जो है जिसमें पैरामेडिकल मतलब अदर हेल्पिंग स्टाफ और वो भी उनके साथ हुआ करता था जो कि उस लड़ाई के दौरान जो है उनको मेडिकल की जो भी इंजर्ड पर्सन्स थे जवान के लिए जो भी उनको वो सुविधाएं जो है वहाँ पे क्या नाम वो प्रदान करने का प्रयास करते थे। उस टाइम कहा ये भी जाता है कि साहब वो उस टाइम जो है ये जो उन लोगों को जो टीम जो मेडिकल की टीम वगैरह होती थी उनको थोड़ा बहुत इस टाइप का ट्रेन किया जाता था कि भाई वो ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ लड़ाई के अंदर शामिल होके अपनी सामने वाली सेना का सामना करते हुए जो भी इंजर्ड पर्सन हैं उनको वहाँ से रिकवर करके और अब जहाँ बेसिक सुविधाएं मिल सके उनको एकदम जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह दिलवा के और वहाँ पे उचित प्लेस जगह पे उनको भिजाया जा सके। तो उससे क्या है कि जो इंजर्ड होते करते थे उनमें काफ़ी लोगों की वो इस तरह से उनकी जान की सुरक्षा की जा सकती थी।